हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइजिंग क्रिएटिविटी विद वर्षा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बॉटल आर्ट। मैंने 2 बॉटल्स को डेकोरेट किया है, आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करिए। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड मुझे मोटिवेट करिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्लास की बॉटल ली है जिस पर मैंने स्पंज की हेल्प से व्हाइट कलर का एक बेस कोट दिया है। अच्छे से व्हाइट कलर करने के बाद हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद हमारी बॉटल कुछ इस तरह की दिखेगी। अब मैंने बॉटल के ऊपर पेंसिल की हेल्प से फ्लेमिंगो बर्ड को ड्रॉ किया है। बर्ड को ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर्स का यूज कर रही हूँ। बर्ड की चोंच पर मैंने पहले स्किन कलर अप्लाई किया है एंड उसके बाद मैं ब्लैक कलर का यूज करूंगी। अब यहाँ पर मैंने बर्ड के ऊपर ब्लैक कलर से आउटलाइन की है एंड मैं बर्ड की लेग्स भी ब्लैक कलर से ही बना रही हूँ। बर्ड के ऊपर वर्क होने के बाद अब मैंने यहाँ पर पीच कलर की वूल का यूज किया है जिसको मैंने अपनी 2 फिंगर्स के ऊपर राउंड राउंड करके कुछ इस तरह से लपेटा है। आप चाहे तो किसी छोटे कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको सीजर की हेल्प से कट कर रही हूँ एंड एक छोटा सा यहाँ पर मैंने पॉम पॉम बनाया है। मैंने यहाँ पर 3 कलर्स के पॉम पॉम बनाए हैं, क्रीम कलर, पीच कलर एंड लाइट पिंक कलर। पॉम्पॉम को बॉटल के ऊपर लगाने से पहले मैंने इस पूरी बॉटल के ऊपर ब्लैक कलर से लाइंस बनाई हैं। यहाँ पर लाइंस बनाने के लिए आपको किसी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, आप ब्रश की हेल्प से रफली यहाँ पर लाइंस बना सकते हैं। लाइंस को अच्छे से ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से जो मैंने पॉम पॉम बनाए थे उनको लगाऊंगी। पॉम पॉम को अच्छे से लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर रेड कलर की हेल्प से कुछ हार्ट शेप बनाऊंगी। मैंने पूरी बॉटल के ऊपर इसी तरह से रैंडमली स्पेस देकर हार्ट शेप बनाई है जिससे हमारी बॉटल में एक अलग ही लुक आ गया है। यहाँ पर मैंने कुछ फेदर्स का यूज किया है जिससे हमारे फ्लेमिंगो के ऊपर एक सुंदर सा बर्ड लुक आए। मैंने यहाँ पर पीच कलर के फेदर्स का यूज किया है। हमारी फ्लेमिंगो बॉटल रेडी है। आपको यह कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम सेकंड बॉटल को डेकोरेट करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने फर्स्ट बॉटल की तरह स्पंज की हेल्प से एक बेस कोट दिया है। अब मैं स्पंज की ही हेल्प से इसके ऊपर पिंक कलर करूंगी। बॉटल के ऊपर पिंक कलर करने के बाद
और उसके सूखने के बाद मैं इसके ऊपर पेंसिल के हेल्प से एक डांसिंग डॉल बनाऊंगी। यहाँ पर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर की हेल्प से डॉल की आउटलाइन कर रही हूँ एंड इसके अंदर भी मैं ब्लैक कलर ही करूँगी। मैंने यहाँ पर डॉल का अपर पार्ट एंड लेग्स बनाई हैं। मिडिल पार्ट मैंने नहीं बनाया है क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ और वर्क करना है। डॉल के अंदर ब्लैक कलर करने के बाद मैं यहाँ पर डॉल के ईयर्स बना रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर का नेट लिया है जिसके नीचे एक गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है। आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं। अब मैं इस क्लोथ के टॉप पर नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से कुछ इस तरह से स्टिचिंग करूँगी। पूरे कपड़े पर अच्छे से स्टिचिंग करने के बाद थ्रेड को कुछ इस तरह से खींच दूंगी जिससे कि कपड़े पर एक फ्रिल शेप आ जाए। जिस तरह से एक फ्रॉक होता है हमें इस कपड़े को भी उसी तरह की शेप में लाना है। अब ग्लू गन की हेल्प से डॉल के मिडल पार्ट में मैं इस कपड़े को पेस्ट कर दूंगी। सेंटर पर अच्छे से चिपकाने के बाद अब हम नीचे के पार्ट पर जहाँ पर गोल्डन लेस लगी है वहाँ पर प्लेट्स डालते हुए ग्लू गन की हेल्प से चिपकाते जाएंगे। प्लेट्स को अच्छे से एन इक्वल पार्ट में डालेंगे जिससे कि एक अच्छा सा लुक आए। अच्छे से फ्रॉक की शेप देने के बाद अब हम इसमें कुछ पर्ल्स एंड स्टोन से डेकोरेट करेंगे। अब मैं बॉटल के टॉप पार्ट पर पिंक कलर के रिबन का यूज कर रही हूँ। हमारी सेकंड बॉटल भी रेडी है। आपको यह कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे और भी मोटिवेट करें एंड मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।